आंवले में बहुत सारा विटामिन सी और आयरन होता है, और जब भी आंवले का सीज़न आता है तो मैं ये आंवले की खट्टी चटनी और मीठी चटनी अपने घर में काफ़ी बार बनाती हूँ। ये जितनी खाने में टेस्टी होती है उतनी ही ये फ़ायदेमंद भी है, तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए मिलकर बनाते हैं आंवले से दो तरह की चटनियाँ। आंवले की तीखी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने तीन आंवले लिए हैं, तो दो को मैंने काट लिया है और एक को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, और बस इस तरह से इसको काटते जाएं और जो इसकी गुठली है वो निकाल दें। तो ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, और आइए अब फटाफट चटनी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, और हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए आंवले। इसके साथ ही इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन, तो करीब 7 से 8 कलियां लहसुन की होंगी और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसमें लहसुन छोड़ सकते हैं। इसमें डाल देंगे काफ़ी सारा रफली चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। आधी टी स्पून ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, 2 चुटकी हींग या ऐसा फटीरा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। आंवले खट्टे होते हैं, पर नींबू का रस डालने से क्या होता है, इसमें कसैलापन जो होता है या बिटरनेस होती है आंवले की, वो कम हो जाती है। तो मैंने करीब 1 टीस्पून नींबू का रस डाला है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सादा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसकी हमें थिक चटनी पीसनी है। चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको दाल चावल पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, और मैं तो इसको चिप्स के साथ भी खा लेती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और आइए अब बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आंवले की मीठी चटनी। इसके लिए यहाँ पर मैंने पानी को बॉईल किया है, तो करीब 2 कप पानी होगा, और मैं इसमें डाल रही हूँ आंवले। तो ये आंवले 200 ग्राम आंवले हैं, और अगर आप गिनेंगे तो 10 से 11 आंवले होंगे ये। अब हम इसको कवर कर देंगे और करीब 8 से 10 मिनट तक कुक होने देंगे। तो हमें इसको बस सॉफ्ट करना है, तो उसमें करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आंवले अच्छे से बॉईल हो जाते हैं तो देखिए ये इस तरह से खुल जाते हैं, इसका मतलब आंवले अच्छे से पक चुके हैं। हम इनको निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे का प्रोसेस क्या है। आंवले अब हल्के से ठंडे हो गए हैं, हम इनको तोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितने आसानी से टूट जाते हैं, और अब हम इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इनको जो मोटे साइड होता है ग्रेटर का, उससे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे आंवले तैयार कर लूँगी, और हम इसकी गुठलियाँ अलग रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे आंवले तोड़ के तैयार कर लिए हैं, और आइए फटाफट इनको कुक करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, तो आप घी ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करीब 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग या ऐसा फटीरा, आधा टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ या फेनल सीड्स, और इसके साथ ही आधा टी स्पून कलौंजी। इनको अच्छे से मिला देंगे। मसालों को मैंने हल्का सा भून लिया है, और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला। इन सभी को मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे आंवले, इसको मिला लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 200 ग्राम गुड़, तो आपने जितना आंवला लिया है उतना ही गुड़ डलेगा इसमें। और मैंने इस गुड़ को छोटा छोटा काट लिया है नाइफ से, आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इस टाइम पे हम आंच को फिर से थोड़ा धीरे कर देंगे, और गुड़ के पिघलने तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए गुड़ जो है थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया है। हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला से इस आंवलों को थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का सा, जिससे ये सारे मसाले और गुड़ को अच्छे से अंदर तक सोख कर ले। तो यहाँ पे अगर आप गुड़ का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ से अगर ये चटनी बनाई जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए गुड़ अब बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, तो आधी टी स्पून काला नमक, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद नमक। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब बस हम इस चटनी को 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए गुड़ में अब अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, ये थिक भी हो गया है, तो चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे थोड़े से पीसेस रखे हुए हैं, उतना महीन नहीं किया है आंवले को। अगर आपको इसको बिल्कुल चटनी फॉर्म में खाना पसंद है तो आप आंवलों को तोड़ने की जगह उनको अपग्रेड कर लें, या फिर उनको मिक्सी में भी पीस के डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, और इसको
इससे ज़्यादा नहीं कुक करें, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये बहुत थिक होती जाएगी। तो इस स्टेज पर ही आपको गैस को ऑफ करना होगा। हम इसको ठंडी हो जाने देंगे और इसको फिर सर्व करेंगे। ये देखिए, खट्टी तीखी आंवले की चटनी तैयार है और ये वाली मीठी चटनी भी बनकर तैयार है। दोनों ही बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।